हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मौसम करीबन 11 बजे से साफ ही लग रहा है तकरीबन। तो अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, शाम के 6:30 बज चुका है और दिखाती हूँ आपको पूरा देहरादून का व्यू कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। दिखाती हूँ आपको वीडियो में, आप बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने सगवाड़ा, ये मक्का बोया था मैंने यहाँ पे, ये 7 जून को बोया था और आज है 13 जुलाई। तो काफ़ी बड़ा हो चुका है मेरे मक्का के पौधे और कई उसमें तो लग भी चुके हैं। इस साइड को ना एक ही मक्के के पौधे पे तीन तीन चार चार मक्के आ रखे हैं। और उधर मेरी फ्रेंडों ने कुछ बो रखा है, वो अभी जमे नहीं हैं, अंकुरित हो रखे हैं। और यहाँ पे मैंने पहाड़ का भंजूरा भी बो रखा है, कितना अच्छा लग रहा है देखो, हरे हरे बड़े बड़े पौधे। और यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है, हर जगह हरियाली हरियाली फैली हुई है। सो आप देख सकते हो, जहाँ भी देख मतलब जहाँ तक आपकी नज़र लग रही है वहाँ देखो हरियाली हरियाली फैली हुई है। और उधर ना हिमाचल की साइड तो अभी भी बहुत मतलब कि डरावनी मौसम बना हुआ है। और आपको एक नया व्यू दिखाती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे लोग रोपाई कर रहे हैं, रोपणी कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं। दिखाती हूँ आपको मैं अभी जूम करके, तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वो लोग। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लोग धानों की रोपाई कर रहे हैं और ये खेत काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये देखिए। और ऊपर साइड तो काफ़ी खेतों में लग चुका है धान, और यहाँ बाकी बचा है इन लोगों का, यहाँ पे लगा रहे हैं। और काफ़ी खेतों में लोगों ने यहाँ पे गन्ना भी लगा रखा है। और आगे का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये रोपाई करने के लिए खेत तैयार किए जा रहे हैं। ये देखो, इस वाले घर के आसपास बहुत अच्छे और बड़े बड़े खेत हैं। और कुछ खेतों में यहाँ पे भी रोपाई हो गई है और कुछ होना है, अभी होना बाकी है। और कुछ खेत तैयार हैं, बिल्कुल साँड़ सूँड़ करके उनको तैयार किया जा रहा है। काफ़ी लोग लगे हुए हैं अपने अपने कामों पे। और यहाँ पे हमारी मकान मालकिन ने नीचे खीरा बो रखा है और उन खीरों में फूल लग चुका है। और यहाँ पे कद्दू का बेल भी अच्छा हो रखा है, आड़ू का पेड़ भी हो रखा है, पपीता भी हो रखा है। कद्दू का बेल तो अति सुंदर हो रखा है, इसमें से हमने कद्दू के पत्तों की सब्जी भी खा ली है। तो आपको ये नज़ारा कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए, और इस साइड को तो काफ़ी मौसम साफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब बारिश आएगी नहीं, लेकिन उधर से मौसम अभी भी अंधेरा हो चुका है। इस साइड को बिल्कुल डरावना मौसम हो रखा है। और मैंने चला रखी है मोटर, अब देखती हूँ टैंक में कितना पानी हुआ। अगर टैंक भरने वाला होगा तो मैं, ये टैंक भरने ही वाला है, अब मैं कर देती हूँ मोटर बंद, वरना पानी छत पे गिरा हुआ बेकार लगता है।